अस्सलाम वालेकुम, लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज ऑफ 1973। इसमें हम देखते हैं कि 1962 का जब डिसॉल्व हुआ है या एब्रोगेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, किसने बनाया और उसके क्या फीचर्स हैं। सो लेट्स बिगिन विद द नेशनल असेंबली व्हिच वाज इलेक्टेड इन 1970 हैड आल्सो टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। हर बार जब भी कोई नेशनल या नई गवर्नमेंट आती है तो नेशनल असेंबली जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हमारे आगे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट करेगी। सो फॉर दिस पर्पज इट फॉर्म्ड अ कमेटी इन इट्स सेशन हेल्ड ऑन 17 अप्रैल 1972। इट कंप्राइजिंग ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टीज विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी वर फाइनली अप्रूव्ड ऑन 10 अप्रैल। और फिर ऐसा करते कराते जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 14 अगस्त 1973 को ये कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो चुका, ठीक है। और जुल्फिकार अली भुट्टो उस वक्त इन होल्ड थे और उन्होंने ये फॉर्मुलेट किया, ठीक है। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं क्या है। द नेम ऑफ द रिपब्लिक अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नेम इसका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। टेरिटरी जो थी, क्योंकि अब इस वक्त तक जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था जिसको हम अब बांग्लादेश कहते हैं, वो हमसे जुदा हो चुका हुआ था। और वो जो लैंग्वेजेस के इशूज थे, वो जो वन यूनिट के प्रॉब्लम्स थे, जो पार्टी सिस्टम था या जो भी लेजिस्लेचर्स के बाई कैमरल के इशू से, वो अब बहुत हद तक खत्म हो चुके थे। क्योंकि जिस वजह से वो प्रॉब्लम्स थे वो तो हमारे से वो बिछड़ गया था ईस्ट पाकिस्तान, तो अब सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान की बात थी। तो वेस्ट पाकिस्तान में हमारे पास जो टेरिटरीज रह गई थी वो था पंजाब था, बलूचिस्तान था, उस वक्त NWFP था जो कि करंटली अब KPK है, सिंध था और इस्लामाबाद जो कि फेडरल कैपिटल है, ठीक है, ट्राइबल एरिया से कुछ जो कि अब फाटा, जिसको हम फाटा भी कहते हैं, और अब KPK के साथ मर्ज हो चुका हुआ है। सो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हमसे अलग हो चुका हुआ था, एंड बाकी हमारे पास ये पांच या चार मेजर प्रोविंसेस बचते हैं। बाकी अगर हम देखें तो ट्राइबल एरियाज वगैरह कुछ बच जाते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में या इनको लेकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट किया था। प्रियम्बल में वही जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इस्लामिक आइडियोलॉजी वॉज गिवन डिजिटल रिकॉग्निशन प्रीलिमिनरी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949, जो कि हमारे 1949 से ही चलता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, ये हमारे पास एक थर्ड रिपब्लिक था और 280 आर्टिकल्स थे, 12 चैप्टर्स थे और 6 कैजुअल्स थे, ठीक है। पार्टली फ्लेक्सीबल पार्टली रिटर्न, जैसे हम पहले बात करते हैं कि 2/3 मेजोरिटी की जरूरत थी इसमें भी, तो इसमें भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट थी दोनों हाउसेस से, और ये अब हो गया था बाय कैमरल। इसका फेडरल सिस्टम क्या है, डिवीजन ऑफ पावर जो थी विद इन फेडरल स्ट्रक्चर थी, ठीक है। वन लिस्ट डील्स विद ऑल सच अफेयर्स ऑन विच द पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट। अब फेडरल सिस्टम में क्या है कि फेडरल का होल्ड ज्यादा था और जो रिमेनिंग पावर्स होती हैं वो प्रोविंशियल के पास चल जाती है, रेजिडुअल पावर्स, और जो एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। अच्छा, मैं इस ये थोड़ा सा वाजह कर दूं, एक हमारे पास फेडरल सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास फेडरल के सारे मेजर जो होते हैं लेजिस्लेशन फेडरल करती है, ठीक है। दूसरा एक होता है जिसमें हमारे पास जो रेजिडुअल पावर्स है या रेजिडुअल पावर्स जो है या रेजिडुअल सब्जेक्ट्स जो है उस पे जो लेजिस्लेशन होती है वो प्रोविंसेस के पास होती है। और थर्ड था कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिसमें जो है ना आपके पास ऑप्शन है, लाइक कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे अगर फेडरल भी कर रही है उस पर और प्रोविंशियल भी कर रही है, प्रोविंशियल असेंबलीज भी उस पर लेजिस्लेट कर रही है और फेडरल असेंबलीज भी लेजिस्लेट कर रही है, तो प्रीवेलिंग लेजिस्लेशन किसकी होगी, फेडरल की, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है। तो उस पर जो कि आपका लेजिस्लेशन का जिसका फैसला बरहक होगा वो फेडरल लेजिस्लेचर होगा, कि आपका फेडरल सिस्टम का या सेंटर का जो भी फैसला होगा वो बरहक होगा उस कॉन्फ्रेंस लिस्ट पे, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी जो कि फिर बाद में अमेंडमेंट्स के बाद खत्म कर देंगे और अब जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स है, प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक टिट्यूलर हेड है, ठीक है, उसके पास इतनी पावर्स नहीं है। बाई कैमरल है, दो हाउसेज होते हैं, सेनेट है और नेशनल असेंबली है, इनकी अपनी अपनी सीट होती है। सेनेट में फैम नॉट रॉन्ग तो 104 है और नेशनल असेंबली की भी कुछ आप चेक कर लीजिएगा क्या है। अच्छा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही रहेगी, ठीक है। इंडिस्पेंसेबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ जस्टिस इन अ सोसाइटी, पीपल कैन एंजॉय देयर राइट्स एंड सेफगार्ड्स देयर इंटरेस्ट इफेक्टिवली इफ द कोर्ट्स आर फ्री एंड इम्पार्शियल। फंडामेंटल राइट्स जो हैं दीज वर इनकॉर्पोरेटेड ऑलमोस्ट ऑल द फंडामेंटल राइट्स दैट वर इंश्योर्ड अंडर द डिफंक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले भी दे चुके थे। दीज राइट्स आर टू बी इन्फोर्स थ्रू सुपीरियर कोर्ट्स।
सुपीरियर कोर्ट के थ्रू ये इन्फोर्स कराए जाएंगे. नीदर पार्लियामेंट नॉर एनी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इज ऑथराइज्ड टू इनएक्ट एनी लॉ रिगार्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स. कोई भी अगर अगेंस्ट होगा फंडामेंटल राइट्स के तो उस पर कोई भी जो है ना पार्लियामेंट या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑथराइज नहीं है कि उसके अगेंस्ट कोई भी लॉ बनाए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट. अदरवाइज सुपीरियर कोर्ट हैव द पावर टू डिक्लेयर सच लॉज इनवैलिड. सही, सुपीरियर कोर्ट को ये हक या ये राय है या हक है कि वो उन लॉज को जो कि रिपग्नेंट टू फंडामेंटल राइट्स होंगे उनको इनवैलिड कर दें. अच्छा, डायरेक्ट मैथर ऑफ इलेक्शन था जी. 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स डायरेक्ट मैथर ऑफ इलेक्शन टू रिटर्न टू द डिप्यूटीज टू डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बट इनडायरेक्ट मैथर ऑफ इलेक्शन हैज बीन रिटेन फॉर द इलेक्शन टू द सेनेट. सेनेट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन है, नेशनल असेंबली के लिए डायरेक्ट इलेक्शन जब तक चलते आ रहे हैं. द अंडरलाइंग पर्पज सीम्स टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट electoral base from that of the National Assembly so as to avoid duplication. The Senate is expected to act as a guardian of the rights of the federating unit, so the latter has been given the rights to elect the senators. Sahi? Acha, economic justice kya hai ji? It has been reaffirmed in the constitution to implement a balanced economic system so as to eradicate all economic ills. It has been laid down the principles of policy that government shall provide basic needs of life to all citizens. इकोनॉमी का जस्टिस होना चाहिए इसमें. अब यही था ऑफिशियल लैंग्वेज है कि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी और जो है नेशनल लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज और जो मतलब उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी ऑफिशियल, लेकिन यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि जी उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. अच्छा, सिंगल सिटीजनशिप होगी. रूरल सिटीजनशिप एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द फेडरल स्टेट्स. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर डिटरमिन्ड बाय अ फेडरल constitution as well as under the constitutions of federating units, but all the citizens of Pakistan enjoy same rights. Theek hai, holding of referendum, president is authorized to order for holding a referendum on any issue of national importance on his own initiative or on the advice of the prime minister. Acha, ye hamare ho gaye features. Isme ab isme kuch amendments hain. Theek hai, ab tak if I am not wrong to shayad koi 26 amendments ho chuke hain, ye 29 amendments hain. जिसमें आपके पास जो है मेजर वाली जो आती है 18th अमेंडमेंट आती है, जिसमें आपके पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रोविंसेस को दिए जाते हैं वो उसको लेजिस्लेट करते हैं. कुछ चेंजेस हैं मेजर के, बलूचिस्तान की स्पेलिंग चेंज हो गए, केपीके का नेम बदल गया, पहले उसको NWFP कहा जाता था या सूबे सरहद कहा जाता तो उसको KPK कहना शुरू कर दिया. फिर इसमें मेरे ख्याल से वो एजुकेशन के हवाले से कि फ्री एंड फ्री ट्रायल भी दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन है. ठीक है, 20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आर्टिकल 25A है शायद एजुकेशन के हवाले से. फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू फ्री ट्रायल है. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो 18th अमेंडमेंट, तो इसको हम 18th अमेंडमेंट को हम इंशाल्लाह ताला इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ेंगे. इवन पॉलिटिकल साइंस में भी पॉलिटिकल साइंस में भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस पर क्वेश्चन जरूर आ जाता है 18th अमेंडमेंट पर कुछ ना कुछ. ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं इसके बारे में प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में. ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या जो हमारे एब्रोगेट क्यों होते रहे प्रीवियस जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन थे 56 का 62 का, ये एब्रोगेट क्यों हुए? ये एब्रोगेट इसलिए हुए क्योंकि उस वक्त तक प्रेसिडेंट के पास जो है एक ऐसी पावर थी कि जिससे वो नेशनल असेंबली को डिजोल्व कर सकते हैं. ठीक है, वो नल एंड वॉइड कर देते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म कर देता है, वो एब्रोगेट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल असेंबली खत्म कर देता है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स खत्म कर देता है. तो ये जो अमेंडमेंट ये जो पावर है ना, इसकी वजह से प्रेसिडेंट जो है उसके पास ज्यादा पावर थी क्योंकि जब तक प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहा और प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर्स नहीं होती थी. तो जब प्रेसिडेंट को लगता था कि कुछ उसके खिलाफ हो रहा है या कुछ भी इस तरह, तो वो उसको खत्म कर देता था. अब इसमें ना क्या हुआ, नवाज शरीफ का दौर आता है, बेनजीर भुट्टो का दौर, तो वो ऑन एंड ऑफ आप देखेंगे कि 1988 है 98 है, क्योंकि मुशरफ के बाद जब सिचुएशन ख़राब हुई, मुशरफ के बाद नहीं थी या अब मुझे सही से याद नहीं, डेट्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट 99 या 98 का टाइम था. ठीक है, जब बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ वो ऑन एंड ऑफ साल एक दो साल के टाइम पर जो है ना आना जाना था उनका, कभी मतलब साल बाद जो है ना उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती थी. तो वो हुकूमत ख़त्म होने का रीज़न यही था कि वो जो उसकी पावर थी वो ख़त्म कर दी जाती थी, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया जाता था. ठीक है, तो ये 7th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार ख़त्म किया गया, फिर उसको वो रिवाइज किया गया, फिर 11th था या 13th था. ठीक है, 1 से 7th में
उसकी पावर्स जो हैं उनको दी गई। ठीक है, देखें यहाँ पर लिखा है उसको पावर दी गई सेवेंथ अमेंडमेंट में, देन देयर नहीं सेवेंथ में थी, अच्छा एट्थ अमेंडमेंट थी, देन देयर वॉज इलेवेंथ अमेंडमेंट, देन थर्टीनथ अमेंडमेंट, देन एटीनथ अमेंडमेंट, या ये है या फिर है कि एट्थ है और फिर है एट्थ, थर्टीनथ, सेवनटीन्थ और एटीनथ, इस तरह की कुछ अमेंडमेंट हुई हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म कर दूंगी जब हम या हम जब एटीनथ अमेंडमेंट के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं बता दूंगी कि कौन सी थी, किस तरह की थी पावर्स और लाइक किस में, क्योंकि ऑन एंड ऑफ ना एट्थ अमेंडमेंट में उसकी पावर्स प्रेसिडेंट के पास पावर्स नहीं कि वो नल एंड वॉइड कर सके या वो एब्रोगेट कर सकते हैं। देन देयर केम इलेवेंथ अमेंडमेंट, उसमें वो पावर्स खत्म कर दी गई, ठीक है, उससे पावर्स ले ली गई। फिर थर्टीनथ अमेंडमेंट हुई, फिर उसको पावर रीगेन कर दी गई प्रेसिडेंट के पास से, फिर पावर दी। देन फिर एटीनथ अमेंडमेंट जब ये प्रेसिडेंट जरदारी थे तो उन्होंने अपनी पावर्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, उन्होंने प्रेसिडेंशियल पावर को ख़त्म कर दिया बिल्कुल, और फिर उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन को इन द ओन स्पिरिट उसको रिवाइव किया। ठीक है, तो तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल, बिल्कुल ठीक से चल रहा है। अब प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट के पास कम अथॉरिटी है, तो इस तरह चला। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनको आप ज़रूर खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मली इन पे इस तरह क्वेश्चन नहीं आता कि फुल एंड फ्लेज आपसे पूछा जाए कि इन अमेंडमेंट्स को डिस्कस करें और इनकी डेट्स के साथ या इनके जो अमेंडमेंट्स हैं इनमें क्या क्या एक्शन लिए गए, वो क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। मोर ऐसा को सिर्फ इतना बताना चाहिए कि जो डिसोल्यूशन हुई थी या डिसॉल्व उस करने का उसके पास पावर्स थी, वो 58(2)(b) था। ठीक है, तो वो या 52, मुझे तो अभी लाइक बिल्कुल मेरे जहन से निकल गई हैं ये चीज़ें। खैर, मैं इनको देखूंगी, ठीक है, जब हम इनको 18th अमेंडमेंट जब हम पढ़ेंगे तो मैं इन डिटेल आपको ये सारे विद फिगर्स बता दूंगी क्या था, कौन सा आर्टिकल था और क्या था। 52(b) था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 52(b) था जिसमें प्रेसिडेंट को पावर्स दी गई थी, तो वो उनसे ले ली गई और अब तक बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने ख़त्म कर दिया आर्टिकल। ठीक है, तो ये आप अगर चाहें तो पढ़ना चाहें तो ये बीच में जितने भी अमेंडमेंट्स हैं आप इनको देखें, अदरवाइज आपके लिए जो ज़रूरी है वो है 18th अमेंडमेंट, और वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में, क्योंकि अब हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन तो ख़त्म हो चुके हैं, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला हम वो कवर कर लेंगे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ जाता है। पाकिस्तान अफेयर्स में हों, पोलिटिकल साइंस में हों, या कहीं पर भी हो ना, करंट अफेयर्स में भी समटाइम्स वो क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए उसको ज़रूर पढ़ें, वो देखें क्या है। और इसमें तो 18th अमेंडमेंट का ये जिक्र है, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, वो देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ है। सो टिल देन अभी देखें, ओमिशन ऑफ क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 58(2)(b) था, ठीक है, तो इसमें उन्होंने जो है ख़त्म कर दी उसकी पावर्स, रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली के, नेशनल असेंबली की पावर्स वो ले लेते हैं, आपका बिल्कुल ही सिस्टम ख़त्म कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर देते हैं, और फिर मार्शल लॉ लग जाता है। तो ये अब चीज़ें कि जैसे एकदम से हुकूमत ख़त्म हो जाती है और हमारा मार्शल लॉ लग जाता है जो पहले होता रहा, वो चीज़ें जो अब ख़त्म हो गई हैं। सो दिस वॉज इट, अब नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह ताला 18th अमेंडमेंट को इन डिटेल पढ़ेंगे और देख लेंगे कि उसमें और क्या क्या चीज़ें थी। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।